पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के जनक स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा पूरे प्रदेश में साइकिल रैली निकालकर वर्तमान प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना विरोध जाहिर करेगी। सपा के वरिष्ठ युवा नेता और पूर्व गौसेवा आयोग के सदस्य ठाकुर राहुल सिंह ने बताया कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, पुलिसिया उत्पीड़न आदि को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से रामलीला मैदान लाइन पार से विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जो गुरुवार को सुबह शुरू होकर पूरे शहर में होती हुई पार्टी कार्यालय पर संपन्न होगी। साइकिल यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश पर। ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, और ये जो भाजपा ने अभी पीछे चुनाव में गुंडागर्दी करके जो एक संदेश दिया जनता को, हम वो सब मैसेज जनता को पहुँचाने के लिए साइकिल यात्रा के द्वारा जन जन तक अपनी बात पहुँचाएंगे। और इस भ्रष्टाचार दमनकारी जो सरकार चल रही है इसे उखाड़ कर फेंकने का ये जो साइकिल यात्रा शुरू होगी। जब जब साइकिल चली है तो आपको पता है पीछे भी पिछली सरकार में युवाओं द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई थी, तो बसपा सरकार और भाजपा सरकार जो समय गठबंधन में थी उसकी धज्जियाँ उड़ गई थी। और पुनः हम लोग चुनाव नज़दीक है, इस साइकिल यात्रा के द्वारा एक संदेश जनता तक देंगे कि इसकी सच्चाई जनता के सामने लाएंगे। सामने सरकार वैसे ही बेपर्दा हो चुकी है, अब इस सरकार को कुछ अस्तित्व नहीं रह गया है, क्योंकि महंगाई चरम पर है, किसान सड़कों पर हैं, बेरोजगार घर के अंदर है, आदमी परेशान हो चुका है। अभी कोरोना काल में आप लोग देखिए क्या हाल हुआ, और ऊपर से बाबा कहते हैं कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं है। उनके सांसद खुद धरने बैठे थे, एक सांसद थे कौशल किशोर, उनका खूब वायरल हुआ था, कई मंत्रियों का वायरल हुआ, कई विधायकों का वायरल हुआ। तो देखिए झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो अब ये झूठ चलेगा नहीं। अब 2022 में जनता पुनः अखिलेश यादव की तरफ देख रही है, और अखिलेश यादव भारी बहुमत से विजयी होकर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो विकास के कार्य पीछे किए गए थे और पुनः विकास उत्तर प्रदेश में उनके द्वारा किया जाएगा। और जितनी योजनाएं हैं अभी कुछ, जिसमें जैसे अभी आपने देखा होगा उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट हर परिवार को फ्री दी जाएगी, ये हमारा चुनावी मुद्दा है। नौकरी, बेरोजगारी ये सब खत्म करी जाएगी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है इस समय। आप RTI पे लोगों रोक लगा दी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने, आज आप आंकड़े मांगिए, आंकड़े नहीं हैं इनके पास, क्यों देंगे आंकड़े ये, क्योंकि इनका झूठ अब नहीं चलने वाला। और सरकार हम लोग बनाएंगे, और रोजगार मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। किसान का कर्जा माफ़ करने का अखिलेश जी ने अभी दो दिन पहले ही कर दिया कि सरकार बनती है किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई कंट्रोल किया जाएगा। तो बहुत मुद्दे हैं, और हम लोग सबसे आपके चैनल के माध्यम से जनता से यही अपील करेंगे कि आप इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाइए। और 2024 में अगली लड़ाई, ये लड़ाई हमारी आधी है अभी उत्तर प्रदेश की, पहली में आप, दूसरे में पूरा साफ, जनता हमारे साथ है, साथ रहेगी। 2022 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।